हेलो दोस्तों, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। आज मैं जो विषय आप सबके सामने लेकर आया हूँ वह व्हाट्सएप पे वायरल होते हुए कुछ सच। आपने एक मैसेज शायद खुद भी फॉरवर्ड किया हो या पढ़ा हो, वह ये कि किसी जूस वाले का को HIV है, उसे उसका हाथ कट गया और जूस किसी ने पी लिया तो उसे भी HIV हो गया और ये आपको भी हो सकता है, इसलिए आप केयरफुल रहें, इस तरह का मैसेज। एक दूसरा मैसेज आता है कि सिनेमा हॉल में कुछ लोग नीडल रख दे रहे हैं HIV इन्फेक्टेड पेशेंट की, या HIV इन्फेक्टेड पेशेंट खुद नीडल रख दे रहे हैं और जब वो नीडल पर कोई बैठ जाता है और प्रिक हो जाती है तो फिर वो उसके साथ में नीडल के साथ एक कागज मिलता है जिसमें लिखा होता है बधाई हो, आपको भी HIV हो गया। और यह मैसेज हम में से काफ़ी लोग एक दूसरे को भेज रहे होते हैं और केयरफुल रहने को कहते हैं। सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, मज़े करने जा रहे हैं और उस समय आप नीडल ढूंढते रहेंगे, ये बात कुछ अजीब सी लगती है। कैसे ढूंढेंगे नीडल, चुभी हुई नीडल? क्या हाथ से ढूंढेंगे? तब तो वो वैसे भी चुभ जाएगी। तो इसका सच है क्या, साइंटिफिक सच क्या? देखिए, HIV एक वायरस है जो कि ब्लड, रक्त और बॉडी में मौजूद अलग अलग तरह के विभिन्न फ्लूड्स के द्वारा एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँच सकता है। लेकिन इसका कुछ डेटा है, जिस जो भी माध्यम से पहुंचता है उसमें कितनी संभावना होती है, इन्हें हम थोड़ा सा पड़ताल कर लें। तो देखिए, यहाँ पर क्योंकि नीडल की बात हो रही है, पहले मैं नीडल की बात करता हूँ फिर फल वाले की बात बताऊँगा। तो नीडल जो है, नीडल दो तरह की आती हैं, एक तो ठोस नीडल होती हैं और एक खोखली या पोली नीडल अंदर से हॉलो नीडल होती हैं। हॉलो नीडल में क्योंकि ब्लड ज़्यादा कलेक्ट होता है तो ज़्यादा संभावना होगी HIV को ट्रांसमिट करने की। तो यदि किसी HIV से ग्रस्त मरीज को कोई नीडल प्रिक हुई, जैसे कि ज़्यादातर नर्सेज और डॉक्टर्स इसके लिए ज़्यादा खतरे में होते हैं, आम व्यक्ति बहुत कम, तो उसको प्रिक हुई और वही नीडल हम लोग जब गलती से खुद को प्रिक कर लेते हैं ऑपरेशन के दौरान में या किसी भी प्रोसीजर के दौरान में, तो कितनी प्रतिशत संभावना होगी? तो क्योंकि जब वो हॉलो नीडल है, हॉलो नीडल मतलब कि खोखली नीडल है, तो इसमें प्रतिशत जो होगा 0.3% मात्र रिस्क होगी, बावजूद इसके कि सामने वाला HIV इन्फेक्टेड था और आपने उसको प्रिक कर लिया, ठीक है। दूसरा, यदि ठोस नीडल है तो यह रिस्क और भी ज़्यादा कम हो जाती है, ओके। तो यह रिस्क 0.03% तक कम हो जाती है, ठीक है। तो 0.03 का मतलब कितना हुआ, 100 में 3% है तो कितना मतलब हुआ, 100 में 3 प्रिक, 0.3 मतलब 1000 प्रिक में से 3 प्रिक का रिस्क, 3 पेशेंट इन्फेक्टेड होंगे, मतलब 1000 बार यदि किसी को HIV इन्फेक्टेड प्रिक से हुआ, फिर हुआ 1000 बार हुआ, तो उसमें 3 चांस होंगे उसके इन्फेक्टेड होने को। लेकिन क्योंकि ये गंभीर बीमारी है तो इसलिए उतना भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि उतना भी रिस्क ली जाए, 0.3% रिस्क भी ली जाए, लेकिन रिस्क मात्र इतनी है तब जबकि वो है फ्रेश ब्लड है, तुरंत का लिया हुआ। अब यहाँ पर बात हो रही है सिनेमा हॉल में किसी ने रख दिया तो उसमें क्या होगा, उसमें एक ड्राइड अप सूखा हुआ ब्लड का ड्रॉप होगा उस नीडल में। इस तरह के ब्लड में यह रिस्क बेहद कम हो जाती है क्योंकि HIV वायरस हालांकि कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकता है बाहर भी ब्लड के, लेकिन उसे बहुत अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, जैसे कि आर्द्रता, टेम्परेचर, pH, तो इस तरह के कई चीज़ों का समावेश चाहिए HIV वायरस को बाहर जीवित रहने के लिए। सूखे हुए ब्लड में, खासकर जिसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा थोड़ा सा ब्लड है, उसमें यह संभावना HIV होने की, किसी को प्रिक हो भी जाए तो बहुत ही कम है, बेहद कम है। तो यदि कोई इस तरह की कोशिशें कर भी रहा है तो वह अपना टाइम वर्क खराब कर रहा है, वेस्ट कर रहा है टाइम। तो कुल मिलाकर यह है सच कि यह एक फर्जी मैसेज है और आश्चर्य की बात इसे किसी साइंटिफिक डायरेक्ट साइंस के डायरेक्टर या किसी IPS ऑफिसर के नाम से सर्कुलेट किया जाता है और केयरफुल रहने के लिए कहा जाता है, जबकि किसी भी साइंटिफिक बॉडी ने इस तरह की कोई भी गाइडलाइन आम लोगों के लिए नहीं सर्कुलेट की है। अब हम आते हैं फल वेंडर्स। फलों की जहाँ तक बात है तो देखिए, HIV मुंह के रास्ते कभी भी नहीं जाता ओरली, ठीक है। कुछ जैसे HIV इन्फेक्टेड ब्लड है, किसी सपोज किसी के जूस में ब्लड मिल गया उसका, HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति का, और किसी ने वो पी लिया तो इससे HIV हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि HIV वायरस को
अम्लीता और क्षारीता जो पीएच है 7 to 8 के बीच में मेंटेन रहना चाहिए उसे जिंदा रहने के लिए, लेस देन 7 में एचआईवी वायरस जिंदा नहीं रहता और हमारी सलाइवा से लेके हमारे स्टमक तक में ये जो अम्लीय बदलाव बहुत ज़्यादा होते हैं और स्टमक जहाँ पर हमारा खाना इकट्ठा होता है वह तो काफ़ी अम्लीय होता है, ठीक है, मतलब उसमें पीएच काफ़ी कम होता है जिसमें एचआईवी वायरस नहीं जीवित रह सकता, यदि वो जीवित अवस्था में एंटर करे तो भी, और वैसे तो वो फूड स्टफ में ही जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही मैसेज गलत हैं, फर्जी हैं, गुमराह करने वाले हैं, और एंटरटेनमेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं, जोक्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आता व्हाट्सएप पर ये मैसेजेस क्यों कि कौन से एंटरटेनमेंट के तहत लोग बनाते हैं और लोग हम सब बिना सोचे समझे उसको सर्कुलेट करने लगते हैं। मेरा फ़र्ज था, मैंने अपनी ओर से आपको ये सच बताने की कोशिश इसलिए की क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछा इसका सच कि क्या है, तो अलग अलग कुछ लोगों को उत्तर दिए, फिर लगा कि नहीं ये अच्छा विषय, सबको जानकारी देना चाहिए। खूब वायरल किया गया ना ये मैसेज, तो क्या ये वीडियो करेंगे, आप पर है। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग, और हाँ भारत पाकिस्तान का मैच एंजॉय कीजिए, मैं भी करता हूँ, थैंक यू।